नमस्कार दोस्तों, गार्डन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10 ऑर्नामेंटल प्लांट लाया हूं दोस्तों, और सुंदर पत्तों वाले पौधे। इनको सब लोग लगाना चाहते हैं क्योंकि ये गार्डन में कलर ऐड करते हैं, और फूल ना भी खिलें तो दोस्तों इनका पत्तों के लिए ये जाने जाते हैं। और ऐसे 10 पौधे आज देखेंगे जो कि विंटर में दोस्तों कैसे केयर करना है, और मैं कैसे उनका देखभाल कर रहा हूँ उनके बारे में भी बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है कोलियस। कोलियस दोस्तों कौन भूल सकता है, बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही सुंदर फॉलिएज वाला पौधा है। और इसका देखिए बहुत सारा वैरायटी और कलर आता है, और रंग बिरंगी कोलियस बहुत बढ़िया लगता है। और ये दोस्तों कटिंग के थ्रू प्रोपागेशन होता है, तो नर्सरी में इसका प्राइस होता है आपका 30-40 रुपया, ज़्यादा महंगा प्लांट है नहीं। और कटिंग भी आप फ्रेंड के वहाँ से ला के लगा सकते हो। दोस्तों ये विंटर में फुल सन में मैं रखा हूँ, और बढ़िया कलर आया है देखिए। और जैसे ही समर आएगा इसका पत्ता सूखने लगेगा, क्योंकि हार्श सनलाइट इसे पसंद नहीं है, लेकिन विंटर में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये वाला वैरायटी बहुत बढ़िया लगता है, और ब्लैकिस रहता है दोस्तों, और यहाँ पे रहता है पिंक। और ये देखिए एक येलो वैरायटी है, और ये येलो और रेड डॉटेड आता है। और नीचे देखिए और एक वैरायटी है, और इसमें बाई कलर आता है। देखिए एक पौधे में कितने रंग का कलर आपको मिलेगा। सेंटर है इसका पिंक, ग्रीन और ब्लैक और वाइट, बहुत बढ़िया रहता है। और ये पत्ता कलर चेंज करता रहता है, इसमें ग्रोथ थोड़ा कम है। और सब कोलियस को मैं देखिए एक साथ लगाया हूँ, और एक साथ सब रंग बिरंगी पौधे बहुत बढ़िया लगते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा का देखिए वेरिएटेड वैरायटी, और इसका पत्ता भी आपको प्लास्टिक पत्ता जैसा दिखेगा, बहुत छोटा छोटा पत्ता है दोस्तों। इसका बड़ा वैरायटी भी आता है, लेकिन गमले में लगाने के लिए ये ड्वार वैरायटी बहुत बढ़िया है। और देखिए यहाँ पे आपको 6-7 पत्ता दिख जाएगा, और इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं, और इसका प्लान भी आता है दोस्तों, लेकिन वेरिएटेड रंग बिरंगी पत्ता रहता है, इसीलिए बहुत बढ़िया लगता है। और इसको मैं रिपोर्ट किया था आपका बारिश के महीने में, और अभी विंटर में थोड़ा ग्रोथ इसका रुक जाएगा, स्प्रिंग से फिर इसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसमें फर्टिलाइजर तो कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, बस आप दे सकते हो यूरिया 1-2 दाने दे सकते हो, और अभी भी नहीं वो देना पड़ेगा आपको फरवरी में इसका ग्रोइंग सीजन में। और प्लांट जितना ब्रांच लाएगा और जितना घना होगा आपका उतना बढ़िया दिखेगा। और इसे देखिए यहाँ से मैं प्रूनिंग किया था, तो मल्टी ब्रांच अभी आ रहा है, नहीं तो प्लांट आपका लंबा हो जाता है, लेगी हो जाता है। इसको भी मैं अभी रखा हूँ फुल सनलाइट में, और जैसे ही आपका फरवरी मार्च आएगा इसे मैं ले लूँगा आपका सेमी सेड में। नेक्स्ट पौधा है हमारा रोहियो। रोहियो को कौन भूल सकता है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया हाउस प्लांट है। और इसका पत्ता देखिए आपको रंग बिरंगे दिख रहा होगा, इसका प्लेन वेराइटी भी आता है, लेकिन ये अगर मल्टी कलर वाला पत्ता मिले आपको तो ज़रूर ले लेना चाहिए। और इसका देखिए एक पत्ते में आपको पिंक दिखेगा आपका एज, सेंटर रहेगा आपका ग्रीन, और स्ट्राइप स्ट्राइप जैसा रहता है, बहुत बढ़िया लगता है, मानो कमल का फूल जैसे लगा हुआ हो। और ये सुंदर पत्तों वाले पौधे बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि देखिए ये एवरग्रीन प्लांट है, और गार्डन में हर टाइम आपका कलर एड करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पत्ता सूख रहा है, तो इसका दो रीजन हो सकता है, एक है ओवर वाटरिंग और दूसरा है आपका रूट बाउंड। तो एक जगह पे बहुत सारा प्लांट जब हो जाता है ऐसा होता है दोस्तों। देखिए पॉट देखिए बहुत छोटा है, और साइड में देखिए लीव सब सूख गया है, तो ऐसे सूखा हुआ लीव को आपको हटाना है, और प्लांट को डिवाइड करके भी आपको बहुत सारा बनाना है दोस्तों, क्योंकि एक जगह पे आप मत रखिए, 2-3 जगह पे सब प्लांट को रखिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि एक जगह पे ये ख़त्म होने पर दूसरे जगह पे आपका प्लांट बच जाता है, और ये डिवाइड के थ्रू बहुत बढ़िया से प्रोपागेशन होता है। इसका कटिंग अगर आप लगाते हो तो बहुत जल्दी आ जाता है, और जब आप डिवाइड करते हो वहाँ पे रूट भी निकला हुआ रहता है, तो इजी टू केयर है, और प्रोपागेशन भी इसका बहुत आसान है। 4 नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रासेनिया सेंड्रियाना, इसे लक्की बाम्बू भी बोलते हैं। और इसका पत्ता देखिए दोस्तों येलो और आपका ग्रीन स्ट्राइप में रहता है, और बहुत सुंदर लगता है। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो और मिट्टी में भी। और इसका विंटर केयर कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ। इसको अगर आप छांव में रखेंगे दोस्तों तो देखिए कलर इसका डिसकलर हो जाता है। ये मैं छांव में रखा था तो देखिए इसमें कलर नहीं आ रहा है, और जब मैं धूप में रखा तो नया पत्ता जब आ रहा है देखिए इसमें कलर आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी
सनलाइट नहीं चाहिए इसको। ये सभी प्लांट दोस्तों ग्रीन नेट में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि फिल्टर होके लाइट आता है। और हम लोग क्या करते हैं, को पूरा छांव में ले लेते हैं तो ये अच्छे से चल नहीं पाते हैं। और पूरा छांव में रखने पर दोस्तों इनका कलर भी एक्चुअल कलर नहीं आता है, ग्रोथ नहीं आता है। और यहाँ पे भी देखिए इसका टिप सब सूखने लगा है। तो ये भी दोस्तों ठंड के लिए होता है, ये सब गर्मी पसंद प्लांट होते हैं। और पानी कम करना है आपको विंटर में, विंटर में ज़्यादा पानी देंगे तो ये सब होगा। और मॉर्निंग सन या फिर फुल सन में भी आप इसे विंटर में रख सकते हो। 5 नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा यूका। यूका का प्लांट देखिए काफ़ी पुराना हो गया है मेरा। और अगर आप देखेंगे तो ये सीमेंट के पॉट में है और यहाँ पे देखिए कुछ लीव सब सूखने लगा है। इनको हटा देने पर बहुत बढ़िया रहता है, इतना दूर तक मैं इसको हटा दूंगा। और ये देखिए आपका खजूर जो बोलते हैं डेट पाम, वैसे ही लगता है दोस्तों। और देखिए सेंटर से इसका सब पत्ता निकलता है, और सेंटर से मैं अगर दिखाऊंगा तो बहुत प्यारा लगेगा ये। और इसका कांटा भी आपका हाथ में चुभता नहीं है। यूका का और कुछ वैरायटी होता है जो आपका हाथ में लगता है, और ये वैरायटी बहुत बढ़िया लगा मुझे दोस्तों। और इसका एज हो गया है अभी 7 या 8 साल हो गया है, तो ये जब हाइट में आएगा तो मैं काट दूंगा इसे, ज़्यादा हाइट में लाऊंगा नहीं। ये नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए कार्डबोर्ड पाम, और कार्डबोर्ड पाम भी बहुत बढ़िया कर रहा है दोस्तों। इसका देखिए एक गमले में लगा हुआ था, और वो गमला से मैं जब इसे निकाला तो यहाँ से ये टूट गया, तो मैं सोचा प्लांट मर जाएगा। लेकिन इसका ये जो रहता है दोस्तों कोडेक्स के नीचे बिल्कुल भी रूट नहीं था, और उसको मैं लगा दिया और ये देखिए बच गया है। तो ये भी बहुत पुराना प्लांट है, अगर मर जाता तो मुझे बहुत दुख होता। इसका पत्ता भी देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया शेप में रहता है, और सेंटर से निकलता है तो बहुत बढ़िया लगता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जामिया पुमिला। ये देखिए दोस्तों साइकाड फैमिली से होता है, और इसका भी देखिए कोडेक्स बहुत चौड़ा होता है, और इसका भी रूट ज़्यादा डीप तक जाता नहीं है। आप गमले में भी लगा सकते हो इसे, और पत्तों का स्टाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। और पत्ता देखिए पूरा प्लास्टिक लगेगा आपको दोस्तों, और ये आपका जितना घना होता है उतना प्यारा दिखता है। और सेंटर से देखिए इसका ऐसे फ्रूट सब निकलता है, और इसके थ्रू ये प्रोपागेट होता है या नहीं मैं तो ट्रायल नहीं किया हूँ, लेकिन ये अभी बहुत बढ़िया कर रहा है। धीरे करके ये घना हो रहा है, और जितना पत्ता आ रहा है इसमें उतना खूबसूरत दिख रहा है। साइड व्यू से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बहुत बढ़िया लगेगा ये आपको। और इसका पत्ता एवरग्रीन रहता है, और जब पत्ता नीचे का आपका पीला होने लगे तो उसको आप तोड़ दीजिए, और ऊपर का पत्ता सब बहुत लेट लगता है दोस्तों। ये 6-7 महीना लगता है एक एक पत्ता गिरने में इसको, तो ये एक बहुत बढ़िया चॉइस है आपके गार्डन के लिए। 8 नंबर पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा सबसे फेवरेट एरेलिया। एरेलिया दोस्तों बहुत प्यारा प्यारा सेट में आता है, और इसका पत्ता भी यूनिक पैटर्न में रहता है। हर एरेलिया का पत्ता एक दूसरे से अलग रहते हैं, और इसका बहुत सारा स्पेसिस जाता है। और ये देखिए एक आपका मिल्की वाइट कलर में है, ये आपका डिनर प्लेट है। और ये देखिए ये आपका गोल्डन एरेलिया है, पत्ता चेंज कर रहा है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो बहुत है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, लेकिन आज मैं 10 ही दिखाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए एरेलिया का मैं कटिंग लगाया था, और सब बढ़िया चल गए हैं। और देखिए कितना घना हो गया है दोस्तों, ये प्लास्टिक पत्ता जैसा आपको दिखेगा, और फूलना भी खिले तो ये सब बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। यहाँ पे देखिए मिनी वेराइटी का आपका मिंग एरेलिया, ये भी दोस्तों वेरीगेटेड पत्ता में रहता है, और बहुत प्यारा लगता है ये सब। ये सब अभी मैं विंटर में इसको फुल सन में रखा हूँ, जैसे ही फरवरी आएगा इसमें और ग्रोथ आएगा तो उस टाइम आप फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हो, यूरिया वगैरह, गोबर का खाद भी दे सकते हो, इसका रिपोर्टिंग प्रूनिंग सब कर सकते हो दोस्तों। अभी विंटर में बस इसको रखना है आपको, और थोड़ा थोड़ा सनलाइट मिलेगा तो इसका कलर आता है दोस्तों, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे देखिए और एक है गोल्डन एरेलिया, ये भी बहुत बूसी हो गया है, और इसका फुलियज ही इसका खूबसूरती है दोस्तों, बहुत प्यारा लगते हैं ये सब, और बहुत ही कॉमन और पॉपुलर हाउस प्लांट ये सब हैं। और नेक्स्ट प्लांट है हमारा फाइकस दोस्तों। फाइकस का ये स्टारलाइट वेराइटी है, और पत्ता देखिए इसका बहुत ही प्यारा दिखता है, और मानो प्लास्टिक जैसा आपको दिखेगा, छोटा छोटा पत्ता लेकिन बाई कलर रहता है, देखिए वेरीगेटेड रहता है, और शाइनिंग पत्ता रहता है दोस्तों, शाइनिंग करता है ये पत्ता हमेशा। और इसे दोस्तों आउटडोर रखना चाहिए, और पानी कम, विंटर में इसका खास देखभाल करना पड़ता है। इस नंबर पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों मेरा क्रोटन का प्लांट, और क्रोटन एक बहुत ही पॉपुलर और कॉमन हाउस प्लांट है, और देखिए रंग बिरंगी पत्ता इसका बहुत प्यारा लगते हैं,
और इसका बैक साइड देखिए दोस्तों रेड है और ये ऑटोमेटिक ऐसा देखिए टर्न होके रहता है, तो आपका गार्डन रंग बिरंगी और कलरफुल लगता है। और ये बहुत इजी टू केयर प्लांट है दोस्तों, सस्ता है, इसीलिए क्रोटन आपके गार्डन में ज़रूर रहना चाहिए। ये देखिए इसका पत्ता कितना प्यारा दिख रहा है और बहुत पानी कम चाहिए इसको, विंटर में आप ज़्यादा पानी दीजिएगा मत। और ये सब पत्ता कलर चेंज करता है तो इसीलिए मुझे बहुत प्यारा लगते हैं ये सब। ये दोस्तों एक छोटा सा क्रोटन प्लांट दिखाता हूँ, पॉलीबैग में है, ये मैं रिसेंटली नर्सरी से बाय किया हूँ और ये भी दोस्तों बहुत कलरफुल पत्ता है इसका। इसका आईडी तो पता कर लूँगा मैं, अभी इसे लाया हूँ तो पता नहीं चल रहा है। और इसका देखिए लाल पत्ता आ रहा है और पहला जो पत्ता आ रहा है वो दोस्तों येलो और ग्रीन मिक्स होके आ रहा है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये जब बड़ा होगा तो और प्यारा दिखेगा। क्रोटन सब जब 3-4 साल के हो जाते हैं तब इनमें मज़ा आता है दोस्तों, तब ये देखने में बहुत प्यारा लगते हैं। जब ये छोटे छोटे रहते हैं तो इनका उतना शो नहीं आता है। क्रोटन का और एक वैरायटी दिखा रहा हूँ, ये देखिए आइस्टोन लेडी है और इसका देखिए पत्ता भी लाल होता है, कलर चेंज करता है तो बहुत प्यारा लगता है। और देखिए जितना ब्रांच आपका आएगा उतना प्यारा ये सब दिखते हैं। और यहाँ पे देखिए एप्पल क्रोटन है, एप्पल क्रोटन भी बहुत प्यारा दिखता है, गोल गोल पत्ता रहता है इसका, लाल कलर देखिए चेंज हो गया है, पहले आता है जब ये ग्रीन और आपका येलो में आता है। और यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग लीफ वाला लंबा पत्ता वाला क्रोटन है, इसमें डॉटेड आता है देखिए, और ये भी दोस्तों धीरे धीरे पत्ता चेंज कर रहा है, ये थोड़ा ब्लैकिश कलर में रहता है। देखिए पानी अभी ज़्यादा हो रहा है इसीलिए इसका पत्ता येलो हो रहा है, तो पानी विंटर में बहुत कम देना चाहिए दोस्तों। तो ये था मेरे गार्डन से 10 सुंदर पत्तों वाले पौधे, ये सब आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस तरह मैं इंफॉर्मेटिव और जानकारी वाला वीडियो और प्लांट के वैरायटी के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।